शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक, राजकीय, कृषी विषयक आणि सांस्कृतिक माहितीचं सक्षम व्यासपीठ। सरपंच माझा एकच ध्यास, गावाचा विकास। सर्व जिल्ह्यातील पदाधिकारी, प्रत्येक तालुक्यातून आले सर्व तालुकाध्यक्ष, जिल्हा काँग्रेस कमिटीची बॉडी या ठिकाणी उपस्थित आहे। शिर्डी लोकसभा उत्तरेचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित झाले। मी सगळ्यांचं संगमनेर तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने स्वागत करतो आणि आदरणीय भाऊंना विनंती करतो। काँग्रेस पक्षाच्या आघाडीवरच्या नेत्या, आपल्या महाराष्ट्राच्या भगिनी सौभाग्यवती रीता चौधरी मॅडम आपल्या उत्तर अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये आल्यात। आपल्याशी त्यांचं एक वेगळं नातं आता जोडलं गेलं आहे की पक्षाच्या केंद्रीय पातळीवरून निरीक्षक म्हणून त्या या ठिकाणी आपलं प्रतिनिधित्व आपल्या सर्वांसमोर करणार। प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाची माहिती ते घेत आहेत आणि त्या विधानसभा मतदारसंघाच्या अनुषंगाने सर्वच बाबी, पक्षाची संघटनात्मक बाब असो, विधानसभेची पूर्वतयारी असो आणि विशेष करून PLA एक विशेष प्रशिक्षण देणं, बूथ लेवलवर जे काम आपल्याला करायचं आहे त्या कामाच्याबद्दलची सविस्तर माहिती सादर करणं हे त्यांचं प्रमुख काम आहे। जयंत वाघसाहेब यांनी प्रयत्न करून या सर्वांना आज आपणा सगळ्यांच्या समोर इथे संगमनेरमध्ये पत्रकार परिषदेला आमंत्रित केलंय। पक्षाचे सर्वच राज्य देशपातळीवर, राज्य पातळीवर आणि जिल्हा पातळीवर काम करणारे नेतेगण आहेत। आमदार लहू कानडे साहेब आहेत, जयंती वाघसाहेब आहेत, अहमदनगर जिल्हा महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा लताताई डांगे आहेत, शेजारी सचिन गुजर आहेत, इकडे हेमंतजी ओगले आहेत, आमच्या पाठीमागं करण आहेत, सर्वच नेतेगण। आणि कॉन्फ्रेंस में उद्देश्य ये रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर विगत 5 सालों के अंदर जो स्थिति रही है प्रदेश की, उसके संबंध के अंदर आप लोगों को एक हम लोग यहाँ पे एक ब्रोशर का विमोचन करेंगे। इसका ये आप लोगों के बीच में है और इसके अंदर जो फेलियर रहा है सरकार का हर स्तर के ऊपर, हर वर्ग के लिए, उसके बारे में इसके अंदर विस्तार से लिखा हुआ है और आज आप लोगों को भी दिया जाएगा। और हमारे जो तमाम ब्लॉक अध्यक्ष हैं, फिर उसके बाद में हमारे जो BLA हैं, उन सबको दिया जाएगा और ये जन जन तक पहुंचाने का काम है, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए। वैसे जनता बहुत जागरूक है, उनको पता भी है कि देश में, प्रदेश में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व बनता है कि हम प्रदेश की जनता को बताएं कि इस सरकार ने आप लोगों के साथ क्या क्या खिलवाड़ करा। सबसे पहले तो साथियों, हमारा महाराष्ट्र का जो सबसे नाम जाना जाता है वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से पहचाना जाता है महाराष्ट्र, और उनकी आन और बान और शान के लिए यहाँ पे लोग मर मिटने को तैयार होते हैं। वो हमारी आन बान शान है। जिस तरीके से BJP की गठबंधन की सरकार ने उनके साथ एक खिलवाड़ करा, उनका मजाक उड़ाया, और मजाक इस स्तर तक, अहंकार देखिए आप कि मोदी जी की तुलना शिवाजी महाराज से कर रहे हैं और ये कहकर किया जा रहा है कि मोदी जी की तुलना इसलिए शिवाजी महाराज का सम्मान बढ़ रहा है। इस हद तक उन्होंने इसका मजाक उड़ाया है। दूसरा, हमारे जो सावित्री फूलेबाई हैं, उनका, हमारी जो राजमाता हैं जीजाऊ, पूर्व जो यहाँ के राज्यपाल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया है उनका, ये हमारे महाराष्ट्र की जनता के साथ, महाराष्ट्र की आन बान शान के साथ, महाराष्ट्र के धर्म के साथ एक खिलवाड़ करने की कोशिश करी है। बहुत सारे विषय हैं साथियों, एक एक करके मैं आऊँगी। भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम सीमा पर है। आपने देखा जिस मूर्ति का अनावरण करा, वो थोड़े दिन ही टिकी रही और फिर वो गिर गई। टैक्स के रूप में यहाँ की जो जनता पैसा देती है और दिल्ली सरकार तक, BJP की जो केंद्र की सरकार है, वहाँ पर हमारा GST का टैक्स का पैसा जाता है। अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं तो हमारे पास लौट कर महाराष्ट्र के अंदर 7 रुपये आते हैं। मैं घूमी हूँ हमारे इसमें शिरडी लोकसभा के अंदर, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है,
पीने का पानी नहीं है, किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं और उन समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कमीशन का खेल उच्च स्तर पर यहाँ पर चल रहा है, किसान बेहाल हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। आप देख लें इस डॉक्यूमेंट के अंदर हैं 20,000 किसानों ने आत्महत्या करी। आप मान लें कि हर दिन 7 किसान आत्महत्या करता है। निर्यात जो है वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया और निर्यात पे शुल्क इतना लगा दिया कि हमारे जो किसान हैं उनके लिए वो चीज़ असहनीय है और इसलिए वो आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। फसलों का नुकसान होता है तो उनको मुआवजा नहीं मिलता है। साथियों, अपराध यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले सिद्दकी जी के साथ हुआ, सड़कों पे महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है, बच्चों के साथ अपराध इस कदर बढ़ रहा है कि महाराष्ट्र देश के अंदर एक नंबर पर आ गया है। बाल अपराध के अंदर बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहा है, बाल अपराध बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार आँख और कान को बंद करके बैठी है। विधानसभेच्या निवडणुकांच्या प्रचार मोहिमाही सुरू झाल्या। महाविकास आघाडीनं जो महायुतीचा कारभार मागील 2.5-2.5 वर्षामध्ये बघितला, खरं तर महाराष्ट्रामध्ये अशा स्वरूपाचं एवढं भ्रष्टाचार आणि बेमुरवत थोरपणे निर्णय घेणारं सरकार महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये झालं नसेल। त्याची झलक मायबाप मतदारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महाविकास आघाडीनं हा गद्दाराचा पंचनामा आणि सोबत त्यांच्या दुष्कृत्यांची थोडीशी उजळणी या पाम्पलेटमध्ये केलेली आहे। कॅम्पेनमध्ये आम्ही विस्तारानं या सर्व गोष्टींच्यावर बोलू। आज आपल्या माध्यमातून जसं आदरणीय विठ्ठल मॅडमजीने आपल्याला विनंती केली की माध्यमामध्ये फार शक्ती आहे, माध्यम हे फार महत्त्वाची घटना आहे किंबहुना आपण म्हणतो ते खरं आहे, लोकशाहीचा तो चौथा स्तंभ आहे, परंतु हा स्तंभ सत्याच्या सोबत राहील, सत्याची पाठराखण करेल अशी इथल्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला ही अपेक्षा आहे, आम्हाला ही अपेक्षा आहे। त्यामुळं आपण सर्वजण मिळून ज्या खऱ्या गोष्टी आहेत त्या लोकांपर्यंत पोचूयात, त्यासाठी आपण सहकार्य कराल अशी आमचे नेते आदरणीय बाळासाहेब थोरात साहेबांच्या वतीनं मी इच्छा व्यक्त करतो, अपेक्षा व्यक्त करतो। आदरणीय गीताजी मॅडमसाहेब, विधानसभेसाठी या शिर्डी चुनाव क्षेत्रामधल्या सर्व विधानसभांच्यासाठी आमच्या आदरणीय निरीक्षक आहेत, त्या आमच्या सोबत असणार आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या विधानसभा निवडणुका आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून लढूयात आणि जिंकूयात असा आम्हाला विश्वास आहे। धन्यवाद। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीनं जे डॉक्युमेंट प्रसिद्ध केलं आहे त्याच्यासाठी आमच्या निरीक्षक ज्या राजस्थान विधानसभामध्ये तिसऱ्यांदा त्या ठिकाणी विजयी झालेल्या आहेत, मी त्यांची वडील जवळपास 9 टर्म 7 टर्म राजस्थान विधानसभामध्ये आमदार म्हणून काम केलेलं आहे। काँग्रेसच्या कुटुंबा म्हणजे जडणघडणीमध्ये त्यांचाही फार मोठा वाटा आहे। अशा खूप चांगल्या विचाराच्या निरीक्षक आम्हाला मिळाल्यात, आज त्यांच्या शुभ हस्ते हा गद्दारांचा पंचनामा हे डॉक्युमेंट या ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात आलं, यासाठी आमचे सर्व नेते मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी त्यांचाही सर्वांचे आभार मानतो, आपल्याही मीडियातल्या सर्व सहकाऱ्यांचं, आपण सर्वजण या होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला सहकार्य करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करून आपले आभार मानतो। धन्यवाद।